हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और काफ़ी भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रामदाना की लड्डू कह लीजिए या फिर चिक्की। तो मैं बना रही हूँ चिक्की, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रामदाना ले लिया जो कि सरसों की तरह, सरसों से भी छोटी होती है, छोटी वाली सरसों की तरह। तो मैंने इस कप से 3 कप ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे मोटे तले का कढ़ाई ले लिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है और हमारा जो कढ़ाई है बिल्कुल गर्म है। तो उसमें डालते हैं रामदाना और कपड़े की सहायता से इसे हम भूनेंगे। और इसमें भूनते टाइम आप गैस का फ्लेम हाई ही रखें, गैस का फ्लेम लो ना रखें। और ये दाने जो किया है बहुत ही जल्दी भून जाते हैं और कढ़ाई गर्म होने के कारण ये बहुत ही अच्छे से खिल के फूटते हैं। सारे के सारे आप देख सकते हैं दाने हमारे फूट गए हैं, ये देखिए एकदम खिल खिल के आ गए हैं। तो फिर हम ज़रा सा इसमें रामदाना डालेंगे और इसे स्पैचुला से भूनेंगे। कपड़े से क्या होता है, थोड़े से हाथ ध्यान रख के करना पड़ता है, हाथ जलने का ये रहता है। तो आप स्पैचुला से या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से कपड़े से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे दाने भून लिए और ये हमारे दाने 150 ग्राम मैंने रामदाने लिए थे उससे फोड़े हैं। देखिए सारे दाने अच्छे से भून गए हैं। तो मैंने 150 ग्राम रामदाने लिए थे उसी के हिसाब से 250 ग्राम गुड़ ले लिया है। यहाँ पे डालते हैं कढ़ाई में थोड़ी सी घी, इससे जो है ना कि गुड़ की फ्लेवर और चिक्की की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है घी से, एकदम सौंधी सौंधी से आती है घी वाली खुशबू। तो डाल देते हैं गुड़ और उसके बाद हम डालेंगे 1.5 कप पानी और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप चलाना बंद करेंगे तो क्या होता है कि गुड़ तले में चिपक जाएगा और फिर उसके बाद तो आपकी जो चाशनी है वो जल जाएगी। तो आप इसे लगातार चलाते रहें। और गुड़ देखिए इसका थोड़ा कलर भी डार्क हो गया है और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो हमें क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है, उसमें चेक करना है जिससे कि हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं जब पानी में डालिए तो वो इकट्ठे जम जा रहे हैं, आप देखिए बन जा रहे हैं आपस में। तो ये हमारी जो चाशनी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसे थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे रामदाने। और रामदाने डालने से पहले हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे अच्छे से फटाफट मिक्स करना है। अगर आप लगातार इसे मिक्स नहीं करेंगे तो फिर गुड़ की चाशनी अच्छे से इसमें रामदाने में मिक्स नहीं होगी और हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल भी अच्छे से बंधेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप चाहे तो 1.5 से 2 महीने आराम से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और बच्चों को लंच दें या शाम के नाश्ते में ले लें। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 2 रिंग ले लिया है, जैसे एक हार्ट शेप में है और एक सर्कल शेप में है। तो मैं इसमें घी लगा लूँगी और मैं जो थाली ली हूँ उसमें भी थोड़ा सा घी लगा लूँगी। उसके बाद मैं भर भर कर इसमें डालूँगी रामदाने की जो चिक्की बना रहे हैं उसमें। आप चाहे तो थाली में घी लगाकर उसे बर्फ़ी शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी मोल्ड हो आप उसे शेप दे सकते हैं, अपने मनचाहे शेप में बना लें। तो इसे मुट्ठी भर भर के इसमें भर देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है और इसे हल्के हाथों से निकाल लेंगे। और हाँ, चिक्की बनाते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि फटाफट बनाएं, नहीं तो फिर चिक्की जल्दी बनेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी चिक्की तैयार हो रही है, ये देखिए। और भी इसी तरह हम बना लेंगे और फटाफट बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक और हार्ट शेप में चिक्की तैयार कर लिया है। तो आप इसे फटाफट सारे के सारे चिक्की तैयार कर लें और अपने घर में
बनाएं और हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने दो सेब की चिक्की तैयार कर ली है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप इसे अपने घर में बनाएं और स्टोर करके रखें लंबे समय तक। तो मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही आसानी से आराम से टूट जा रहा है। तो चलिए बाय फ्रेंड।